नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जिसका भी राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं हुआ है और जो सब बाहर में रहते हैं, मान के चलिए किसी काम के पर्पस से वो अपने शहर में ना रह के, अपने गांव में ना रह के दूसरे राज्य में रहते हैं, तो वो लोग केवाईसी कैसे करेंगे। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है, इसके लिए जो है नोटिस जारी किया है। तो आप लोगों को इसमें हम पूरा बारीकी से बताएंगे कि इसका केवाईसी कैसे होगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है, यहाँ पे इसका जो है नोटिस जारी किया गया है, जो राशन कार्ड धारी के लिए ई केवाईसी आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना। बात करें दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई केवाईसी आधार सीडिंग कराया जाना है। दूसरा में जो है ये बताया गया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को, मतलब राज्य में जितने भी जो भी राज है, सभी राज्य के जो है राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य के अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर, मतलब जो राशन डीलर होता है उसके दुकान पर ई पॉस, मतलब वो जो मशीन होता है दोस्तों, जिस मशीन से आपको राशन दिया जाता है हर एक मंथ, यंत्र के माध्यम से निःशुल्क, अब इसका कोई फी नहीं लेगा, ई केवाईसी आधार सेटिंग करा सकते हैं। मतलब जो है ये आधार सेटिंग करवा सकते हैं, बल्कि फ्री में आपको दुकान पे जाके। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है तीसरा जो है नोटिस जो है इसका, साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर, मतलब जो किसी कारण से, मतलब या तो कामकाज के लिए, बिहार के तो पता ही होगा, बिहार के जो जितना बहुत मतलब ऐसे निवासी है जो मतलब गाँव में परिवार रहते हैं और जो उसका हस्बैंड होता है या भाई होता है वो शहर में जाके काम काज करते हैं, तो उसका केवाईसी कैसे होगा। तो इसमें जो बता रहे हैं, शहर से बाहर के इन राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों तथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर, मतलब ये जो दिया हुआ है राज्य से बाहर इन 12 राज्यों में, ये जो राज्य मैंने इसको पढ़ा हूँ, ये राज्य में जितने भी लोग रहते हैं इसको छोड़कर, मतलब इस राज्य में जितने कोई रह रहे हैं इसको छोड़कर कार्य निवास कर रहे हैं, वो उक्त राज्य में ही अपना नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। मतलब ये 12 राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं, मान लीजिए चलिए आपका राज्य बिहार है और रह रहे हैं आप गुजरात में, तो दोस्तों गुजरात में आपका नहीं होगा, ये 12 राज्य को छोड़कर बाकी आप कहीं भी है, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में राशन डीलर के पास जाइए, केवाईसी करवा लीजिए, लेकिन अगर आप गुजरात में हैं तो गुजरात में, अगर बिहार के निवासी हैं तो नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको या तो दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिहार आना पड़ेगा। अगर आप झारखंड में हैं तो आपको भी वही नियम लागू है। ये जो 12 राज्य दिया हुआ है ये ध्यान से सुन लीजिए, 12 राज्य में जो रहने वाले कोई भी मजदूर है उसका जो केवाईसी नहीं होगा, इसके लिए या तो दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा या फिर नहीं तो अपने गांव में वापस आके केवाईसी करवा के जाना पड़ेगा। ये जो है प्रणाली विक्रेता में जाकर ई केवाईसी आधार सेटिंग करा सकते हैं। तो ये आप अगर समझ गए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है ये आधार से केवाईसी से रिलेटेड, तो आपको तुरंत मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे देंगे। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए और बता दें। अगर कोई आपको भी अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको उस डाउट का कमेंट रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।